नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। युवाओं को ट्रेनिंग देने की फीस का सरकार खुद भुगतान करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज प्रदान करती है जो कि ट्रेनिंग सेंटर्स में होती हैं, जिससे कि भारत के कुशल नौजवान अपने कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। यह ट्रेनिंग सेंटर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और यहाँ पर स्किल इंडिया के तहत छात्रों को कौशल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्सेज एवं सब्जेक्ट्स की पूरी जानकारी आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं। इस योजना के तहत 219 कोर्सेज हैं जिसको 34 सेक्टर्स में बांटा गया है। कोर्स की पूरी जानकारी हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि आप इस योजना से कैसे जुड़ेंगे, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ने के लिए आपको अपना नामांकन कराना होगा। इसके लिए pmkvyofficial.org पर जाकर अपना नाम, पता और ईमेल आदि की जानकारी भरनी होती है। आवेदनकर्ताओं की उम्र 14 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आवेदक के जिस तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग करना चाहता है उसे चुनना होता है। उस योजना में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पसंदीदा तकनीकी क्षेत्र के अलावा आप एक अतिरिक्त तकनीकी क्षेत्र का भी चयन कर सकते हैं। ये जानकारियां भरने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना होता है। सबसे खास बात तो यही है कि इसके लिए छात्रों को कोई भी शुल्क नहीं देना होता है और ना ही सेंटर पर कोई फीस जमा करनी होती है, बल्कि बतौर पुरस्कार राशि करीब 8,000 रुपये सरकार खुद प्रदान करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। रोजगार मेलों के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करती है। पाठ्यक्रम के पूरा होने पर आपका SSC द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन एजेंसी टेस्ट लेती है। यदि आप टेस्ट पास कर लेते हैं और आपके पास वैध आधार कार्ड है तो आपको सरकारी प्रमाण पत्र तथा स्किल कार्ड प्राप्त होता है। अब इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौशल विकास योजना में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत भारत में कुल 2543 ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। सबसे अधिक ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं जिनकी संख्या 385 है। मध्य प्रदेश में 241 कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। कोर्स करने वाले युवाओं की अटेंडेंस बायोमेट्रिक के माध्यम से लगेगी। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के टोल फ्री नंबर 0880005555 पर भी कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।